assalamu alaikum students how are you i hope you all are fit and fine at home as you all know i am your math teacher from class second. dear students in previous lecture we completed addition by counting forward i hope you all understood that topic now today in this lecture we start our new lesson that is addition without carry over so take out your textbooks page number 23 Addition without carry over. You all study addition of single digit numbers in class first, so we just revise here. Okay, revision addition of single digit numbers. See, in this box there are four single matchsticks, so we write four in units column. And I already taught you about units and tens in previous lecture. Okay, now see here below there are. Two single matchsticks. One, two. So we write two in units column. Okay. Now what we have to do? We have to add them. Four plus two. Four plus two. One, two, three, four, five, six, six. So what we get? We get six. So we write six in units column. Understood that? Now see another examples. Five plus three. Five. we count this by which method by counting forward okay हम इसे count करेंगे by counting forward method से जो हमने previous lecture में देखे थे उसमें क्या करना होता है मे हमें सबसे पहले देखना होता है greater number so five is greater than three so we count three five we count five we count three forward okay हम five के बाद थ्री उसमें गिनेंगे तो हम फाइव के बाद क्या आता है सिक्स सो सिक्स सेवन एट एट ओके सो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एट ओके दिस मैटर इज़ इज़ी बाय काउंटिंग फॉरवर्ड और वही हम अप्लाई करेंगे आगे ओके okay? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी ओके अंडरस्टूड दैट बाय यूनिट ऑफ वन डिजिट नंबर्स एंडीशन ऑफ वन डिजिट नंबर ओके नौ सी एन अदर एग्जाम्पल्स सिक्स प्लस टू सिक्स सो वॉट यू हैव डू हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें भी काउंटिंग फॉरवर्ड मेथड से काउंट करेंगे सिक्स में हम टू प्लस करेंगे सो so सिक्स के बाद हम अपनी टू फिंगर्स काउंट करेंगे सेवन एट सिक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू एट नौ सी एन अदर एग्जाम्पल्स फाइव प्लस फोर एंड फाइव इज ग्रेटर देन फोर सो वी काउंट फॉरवर्ड आफ्टर फाइव हम फाइव के बाद फोर गिनेंगे काउंट करेंगे सो so फाइव हम फोर काउंट करेंगे सिक्स सेवेन एट नाइन सो फाइव प्लस फोर इज इक्वल्स टू नाइन नौ नेक्स्ट फोर प्लस फोर इसमें तो कुछ भी ग्रेटर नहीं है दोनों इक्वल है सो so हम फोर में फोर काउंट करेंगे सो फोर प्लस फाइव सिक्स सेवन एट सो फोर प्लस फोर इज इक्वल्स टू एट अंडर दू

टू कौन टेंस टेंथ सो आई टोट यू डेट टू डिजिट नंबर में जो राइट साइड को होता है वो यूनिट होता है और जो लेफ्ट साइड को होता है वो टेंस होता है तो ट्वेंटी थ्री में जो थ्री है वो यूनिट है वो जो राइट साइड में है जो टू है वो टेंस है वो लेफ्ट साइड में तो हम थ्री को यहाँ लिखेंगे यूनिट की प्लेस पे एंड टेंस को लिखेंगे हम टू को लिखेंगे हम टेंस के कॉलम में ओके नौ प्लस ट्वेल्थ तो हम उसके नीचे ट्वेल्व प्लस करेंगे सो ट्वेल्व में टू राइट साइड में तो टू यूनिट हो गया और जो वन है वो लेफ्ट साइड में तो वन इज़ इन टेंस प्लेस ओके नाव वी हैव टू एड डेब हमें क्या करना है ऐड करना है सो थ्री प्लस टू थ्री फोर फाइव सो द आंसर इज़ फाइव थ्री प्लस टू फाइव एंड टू प्लस वन थ्री सी है दिस इज वेरी इजी ओके बस हमें देखना है कि टू डिजिट नंबर में कौन सा यूनिट की प्लेस पर है और कौन सा टेंस की प्लेस पर है देन हमें उसे प्लस करनी है ओके उसे हमें ऐड करना है सी है ना अदर एग्जाम्पल्स सी है पहले हमें इस बॉक्स को देखना है और फिर हमें फिलअप करना है कौन सा यूनिट है कौन सा टेंस है देन हमें ऐड करना है ओके एडिशन करनी है सी ये टू ग्रुप्स ऑफ टेन टेन ब्लॉक्स जो हमने ऑलरेडी देखे थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ओके दिस क्वेश्चन व्हेन वी लर्न अबाउट काउंटिंग इन ग्रुप्स ओके सो सी टू ग्रुप्स ऑफ टेन टेन ब्लॉक्स सो वी राइट टू इन टें कॉलम ओके एंड फोर वन टू थ्री फोर सिंगल ब्लॉक्स सो वी राइट फोर इन यूनिट्स कॉलम ओके ना प्लस अब हमें प्लस करना है सो हमें नीचे नीच, नीच लिखना होगा यहाँ हो बिलो सियर ओनली वन ग्रुप ऑफ टेन ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स में टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ब्लॉक्स का वन ग्रुप सो वी राइट वन इन टेंस कॉलम ना सीयर वन टू थ्री थ्री सिंगल ब्लॉक सो वी राइट थ्री इन यूनिट्स कॉलम ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू ऐड देम ओके सो फोर प्लस थ्री से टू प्लस वन थ्री पहले हमने टेंस को को यहाँ ऐड किए तो सो टू प्लस वन थ्री एंड फोर प्लस थ्री सेवन एंड्रेस दिस नॉ सी अनदर एग्जाम्पल सी है ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी टू सो ट्वेंटी थ्री में कौन सा यूनिट है सो so थ्री यूनिट है थ्री इज़ इन यूनिट्स प्लेस एंड टू इज इन टेंस प्लेस नॉ थर्टी टू में कौन सा यूनिट है कौन सा टेंस है जो राइट साइड में टू सो टू यूनिट जो लेफ्ट साइड में थ्री वो टेंस टू डिजिट नंबर में जो राइट साइड में होता है वो यूनिट जो लेफ़्ट साइड में होता है वो

ट्वेल्व वन टू ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी सिक्स सॉरी थर्टी सिक्स ओके ट्वेल्व में हमें थर्टी सिक्स प्लस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेल्व में टू इज़ इन यूनिट्स प्लेस एंड वन इज इन टेंस प्लेस सो वी राइट टू इन यूनिट्स कॉलम एंड वन इज इन टेंस कॉलम ओके नॉ थर्टी सिक्स में सिक्स इज इन यूनिट्स प्लेस एंड थ्री इज इन टेंस प्लेस ओके अंडरस्टूड दिस नाउ वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू काउ एट दैम ओके सो टू प्लस सिक्स 8 and one plus three, four. Okay. Now see next. Forty-seven plus forty-one. Okay. So forty-seven means just 7, seven is in units place and four is in tens place. So we write seven in units column and four is in tens column. Now in forty-one, one is in units place and four is in tens so we write 1 in units column and 4 in tens column now we have to add them so 7 plus 1 is 8 and 4 plus 4 is 8 okay did you understand this now tick out your textbook page number 24 carry out the following additions okay so 12 12 plus 13 okay so 2 plus 3 5 एंड वन प्लस वन टू ओके नौ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व सो पहले हमें यूनिट्स के कॉलम को प्लस करना होता है देन हमें टें के कॉलम को प्लस करना होता है सो so, फाइव में हमें हम टू प्लस करना है फाइव सिक्स सेवन हम काउंटिंग फॉरवर्ड से करेंगे तो हमें फाइव के बाद फाइव के बाद टू फिंगर्स को काउंट करना है सो सिक्स सेवन सो फाइव प्लस टू सेवन एंड वन प्लस वन टू ओके नो सी एन अदर एग्जाम्पल्स ट्वेंटी फोर प्लस फाइव सो पहले हमें यूनिट्स के कॉलम को प्लस करना है फोर प्लस फाइव नाइन एंड टू के नीचे कुछ भी नहीं है सो टू एज इट इज ओके नो दिस टू इज होमवर्क फॉर यू ओके यू हैव टू राइट राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैड सेवन प्लस टू एंड राइट यर आंसर एंड देन थ्री एज इट इज Six plus three, right here answer, and one plus two, right here answer. Okay, you all understood this. You all understood this. Now we will continue this chapter in next lecture. We will see you in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.